नमस्कार। यदि किसी की शादी हो रही है और सारे काम हो गए हो, दुल्हन ब्यूटी पार्लर पर सज रही हो, तभी दूल्हे का मैसेज आता है कि यह शादी नहीं होगी, तो दुल्हन पर क्या बीतेगी। अब कुछ ऐसा ही मामला आया है। यह ब्यूटी पार्लर में जयमाला से पहले तैयार हो रही दुल्हन के मोबाइल पर आए एक मैसेज ने सभी के और सुट गए। यह मैसेज था दूल्हे का, जिसमें लिखा था शादी कैंसिल हो गई, अब ये बारात लेकर नहीं आ रहे है। यह मामला उत्तर प्रदेश से कानपुर में हैरान कर देने वाला सामने आया है। यहाँ पर शादी से एनोक पहले वर पक्ष ने बारात लाने से इनकार कर दिया। दूल्हे ने दुल्हन के मोबाइल पर मैसेज किया और उसमें लिखा कि शादी कैंसिल हो गई, अब ये बारात लेकर नहीं आ रहे है। ये मैसेज पढ़कर दुल्हन के होश उड़ गए और लड़की के घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। वही अब इस मामले में पुलिस ने दूल्हे एवं उसके परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के कंगागंज कॉलोनी के रहने वाली पुष्पलता की शादी महाराजपुर थाने क्षेत्र के गांव करोल निवासी क्रांति सिंह के साथ तय हुई थी। 28 अप्रैल को बारात आनी थी। लड़की के घर में बारात के स्वागत तैयारी चल रही थी। वही दुल्हन बनने जा रही पुष्पलता अपनी सहेलियों के साथ ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी। जब दुल्हन ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया और यह मैसेज दूल्हे का था, जिसमें लिखा था कि अब वे बारात लेकर नहीं आ रहे हैं, शादी कैंसिल हो गई है। यह मैसेज पढ़कर दुल्हन के होश आवास उड़ गए। उसने परिवार के लोगों की इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। मौके पर पुलिस पहुंची और लड़की ने बताया कि लड़के वाले ने दहेज की मांग को लेकर शादी कैंसिल की है। दुल्हन ने साफ कहा कि अब वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी, लेकिन लड़के और उसके घर वालों को सजा जरूर दिलवा कर रहेगी। उसने बताया कि इस तरह शादी कैंसिल होने से बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है और शादी में 30 लाख रुपए खर्चा किए हैं, 12 लाख रुपए गाड़ी खरीदी गई, लेकिन दहेज लोभी लड़के वाले इससे खुश नहीं थे। तो इस तरह से यह पूरा मामला कानपुर सामने आया है, जहां शादी की तैयारी चल रही तो एन वक्त पर दूल्हे ने शादी करने से मना कर दिया। अब पुलिस इसके पूरे मामले की जाँच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।